लेप्रोस्कोपिक सर्जन मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद में। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसा कि आप जानते हैं की होल सर्जरी होती है, जो छोटे छोटे छिद्रों से या की होल से करी जाती है। इसका मेन एडवांटेज है कि ट्रॉमा कम होता है, पेन कम होता है, रिकवरी जल्दी होती है, ब्लड लॉस बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्पेशलाइजेशन हम इस्तेमाल करते हैं आजकल ज़्यादातर सर्जरीज के लिए, और जो मेरी फील्ड है वो एब्डोमन या पेट से संबंधित है। आज हम मिल रहे हैं क्योंकि हम डिस्कस करना चाहते हैं एक कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम जो पेशेंट्स के अंदर काफ़ी कॉमनली पाई जाती है, और लोग दुविधा में रहते हैं कि क्या इसका कोई मेडिकल इलाज है या सर्जिकल इलाज है, और वो प्रॉब्लम है हर्निया। हर्निया वैसे कई प्रकार का होता है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया हैं, लेकिन जनरल सर्जरी से जो संबंधित है, जो रिलेटेड है, वो बेसिकली एब्डोमन के हर्नियाज हैं, पेट के हर्निया, यानी के चेस्ट और पेशाब के रास्ते के बीच का जो हिस्सा है ये एब्डोमन होता है, और इसमें जो ये प्रॉब्लम है हम सिर्फ वहीं पर और वहीं रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो एब्डोमन के हिसाब से हर्निया बेसिकली तीन मेन प्रकार का होता है, या थ्री मेन टाइप्स के होते हैं। उसमें जो फर्स्ट और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया है वो है इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल रीजन कौन सा होता है? इंग्वाइनल रीजन होता है जांग और पेट जहां पर जुड़ते हैं, उसको इंग्वाइनल रीजन कहते हैं। पर सबसे पहले हमको ये शब्द समझना है कि हर्निया क्या चीज है। जब कोई चीज जो उसको कुछ सीमाएं या बाउंड्रीज मिली हुई है, उन बाउंड्रीज से अगर वो बाहर निकल जाती है तो हम कहते हैं उस चीज का हर्निया हो गया। एक कॉमन एग्जांपल से समझें कि आपका एक बाथरूम है जिसमें चार दीवारें हैं, और आपका तौलिया एक दीवार पर टंगा हुआ है। उस दीवार में एक छेद हो जाता है और तौलिये का एक हिस्सा उस छेद से बाहर लटक जाता है और सड़क पर चलने वालों को नजर आ रहा है। तो यह हो गया इस दीवार के अंदर तौलिये का हर्निया, क्योंकि तौलिये को बाथरूम के अंदर होना चाहिए था। यही चीज पेट पर लागू होती है। आपकी मांसपेशियों में जब भी कहीं वीकनेस हो या एक होल हो जाए, तो जो चीज मांसपेशियों के अंदर रहनी चाहिए थी, यानी कि आते इंटेस्टाइन, वो उस होल के रास्ते निकलकर स्किन के नीचे आकर एक बल्ज या स्वेलिंग बना लेती है, उसे हर्निया कहते हैं। तो ऐसी कोई सी भी जगह जहां पर वीक मसल्स हो या किसी कारणवश वीक हो जाए, या प्रीवियस सर्जरी की वजह से कोई छेद या डिफेक्ट रह जाए, वहां से इंटेस्टाइन निकलकर स्किन के नीचे पहुंच जाती है और एक स्वेलिंग बनाती है। एक ऐसी स्वेलिंग जो आप महसूस करेंगे खड़े होने से बढ़ जाती है, लेटने से कम हो जाती है, खांसने से बढ़ जाती है, इस स्वेलिंग को हर्निया कहते हैं। तो हर्निया अपने आप में एक डिफेक्ट है, एक छेद है, और क्योंकि ये एक डिफेक्ट है और एक छेद है, इसीलिए इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। हमको ये डिफेक्ट या छेद सर्जरी के द्वारा ही बंद करना है। सर्जिकल ऑप्शंस क्या क्या हैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि हर्निया, जो हम शुरू में कह रहे थे, कॉमनली कितने प्रकार का होता है एब्डोमन से संबंधित। तो पहला इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल रीजन हो गया पेट और जांग का जोड़। यहां पर पुरुषों और महिलाओं में एक इंग्वाइनल कैनाल होती है जो जन्म से होती है, और ये एक वीक एरिया शुरू से ही माना जाता है, और बढ़ती उम्र के साथ साथ ये और वीक होता है, और यहां पर जब मसल्स वीक हो जाती हैं तो अंदर की आंत निकलकर ऐसे बाहर और फिर नीचे अंडकोश की तरफ चली जाती है। ये होता है इंग्वाइनल हर्निया। ये पुरुषों में मेनली पाया जाता है, मोर कॉमनली इन मेल्स। दूसरा एक और कॉमन टाइप ऑफ हर्निया है अम्बिलिकल हर्निया, नाभि का हर्निया। आपने देखा होगा कुछ बच्चों में और महिलाओं में, पुरुषों में, खासकर
वो महिला और पुरुष जिनका वजन कुछ ज्यादा है, ओबीस पर्संस, या जिनके अंदर कुछ ऐसे चीज हो चुकी है जैसे प्रेगनेंसी, जिससे पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ गया था, उन पेशेंट्स के अंदर अम्बलाइकस बाहर की तरफ निकलकर फूल जाता है, क्योंकि अम्बलाइकस की जो नाभि की जो खाल है उसके नीचे की मसल्स सेपरेट हो जाती हैं और अंदर से इंटेस्टाइन निकलकर बाहर आकर ऐसे फूल जाती है। ये हो गया नाभि का हर्निया। बच्चों में भी पाया जाता है, न्यूबॉर्न्स नवजात में भी पाया जाता है। अगर छोटे बच्चों में होता है तो ज्यादातर हम वेट करते हैं 2 या 3 साल तक, अगर तब भी नहीं भरता है तो फिर ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, बड़े लोगों में तो ज्यादातर पड़ती है। यह दूसरा टाइप ऑफ हर्निया हो गया अम्बिलिकल हर्निया। अब एक तीसरा और कॉमन टाइप, उसे कहते हैं इंसिशनल हर्निया, जहां पर पहले कुछ सर्जरी हो चुकी हो, कुछ सिजेरियन हो चुका हो लेडीज के अंदर, पेट की सर्जरी किसी भी प्रकार से, आंतों के लिए, प्रोस्टेट के लिए, अपेंडिक्स के लिए, किसी भी प्रकार की पेट की सर्जरी जिसमें चीरा दिया गया हो और टांके लगे हो, वो एरिया नॉर्मल एब्डोमिनल मसल से कमजोर रहता है और कुछ परसेंटेज संभावना रहती है, 2%, 5% के फ्यूचर में उस एरिया में मसल्स वहां पर कमजोर होकर गैप हो जाए और वहां पर हर्निया डेवलप हो जाए। इसे कहते हैं इंसिजनल हर्निया। तो 3 कॉमन टाइप ऑफ हर्निया जो हमने देखे, उसमें इंग्वाइनल, अम्बिलिकल और इंसिजनल। क्या लक्षण होते हैं हर्निया के और आप कब कंसल्ट कर सकते हो? एक ही मेन लक्षण है जिसकी वजह से आपको कंसल्ट करने की जरूरत पड़ेगी, और वो है कि जब भी आप महसूस करें कि पेट या जांघों के ऊपर वाले हिस्से में कोई ऐसी स्वेलिंग है, कोई ऐसा बल्ज है जो एक समान नहीं रहता है, घटता या बढ़ता है, जो लेटने से कम हो जाता है, खड़े होने से बढ़ जाता है, खांसने से बढ़ जाता है, ज्यादा चलने से बढ़ जाता है और कभी कभी दर्द भी बन जाता है, लेकिन आराम करने से फिर ठीक हो जाता है। तो ये जो स्वेलिंग और बल्ज है जिसका साइज चेंज होता रहता है, ये एक तरह से इंगित करती है डायग्नोसिस ऑफ हर्निया की तरफ और आपको फिर सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। स्वेलिंग के अलावा जो चीज आपको तकलीफ दे सकती है, वो रेयर कंडीशंस में कभी कभी जो चीज हर्निया की स्वेलिंग पैदा कर रही है, जैसे कि पेट के अंदर की एक फैट की चर्बी होती है उसको ओमेंटम कहते हैं, या छोटी आंत या बड़ी आंत का हिस्सा जो भी उस छेद के रास्ते बाहर निकल कर आता है, वो अगर कभी कभी फंस जाए और वापस अंदर ना जा पाए तो काफी सीवियर पेन करता है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो नॉर्मल कंडीशंस में तो हर्निया की स्वेलिंग घटती और बढ़ती रहती है, लेकिन अगर कभी वो बिल्कुल फिक्स हो जाए और पेनफुल हो जाए तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको तुरंत कंसल्ट करना होता है। बस यही 2 लक्षण हैं जो आपको बताते हैं कि आपके अंदर हर्निया की संभावना है और आपको कंसल्ट करना चाहिए। डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हर्निया की कोई खास इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर करता है वही इसकी डायग्नोसिस को कंफर्म कर देता है, लेकिन फिर भी ये रूल आउट करने के लिए कि पेट के अंदर कुछ और बीमारी या दिक्कत तो नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है। कभी कभी हर्निया के पेशेंट्स में पित्त की थैली की पथरी निकल आती है, कभी पेशाब के रास्ते की दिक्कत निकल आती है, कभी गदूद की दिक्कत निकल आती है, तो इस तरह की कोई दिक्कत हर्निया के साथ को एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, उसको रूल आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड या और कोई रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करा जा सकता है। लेकिन एज सच अगर हर्निया की डायग्नोसिस बनानी हो तो सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन अपने आप में सफिशिएंट है। तो हर्निया क्या होता है हमने समझा, मांसपेशियों में वीकनेस या कोई छेद जहां से आंतें बाहर निकलती हो। हर्निया के लक्षण क्या हो सकते हैं हमने देखे कि भाई वहां पर स्वेलिंग है जो घटती या बढ़ती रहती है। कितने प्रकार का होता है, 3 कॉमनली प्रकार हमने समझ लिए। अब आती है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और क्या इसका निवारण है।
तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर्निया क्योंकि एक डिफेक्ट है, एक छेद है, एक वीकनेस है एरिया में, तो उसको हम मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते। सर्जरी ही एकमात्र उपाय है हर्निया को रिपेयर करने के लिए। हर्निया में कौन सा वर्ड आएगा? रिपेयर। रिपेयर ऑफ हर्निया करना है आपको, और ये रिपेयर करने के लिए सर्जरी ही होगी। हर्निया की जब सर्जरीज करते हैं तो जो डिफेक्ट होता है उसको रिपेयर के करने के साथ साथ ज्यादातर एक जाली या मैश लगाने की आवश्यकता भी होती है, जो उस छेद को या मसल के वीकनेस को अच्छे से बंद करके स्ट्रेंथ दे सके। इसको हम इम्प्लांट कहते हैं। ये जाली नॉर्मली जिस मटेरियल की बनी होती है वो पॉलीप्रोपाइलीन होता है और लाइफ लॉन्ग बॉडी के अंदर रहता है, मांसपेशियों का एक हिस्सा बनकर, और उसको स्ट्रेंथ देता है। हर्निया की सर्जरीज दो प्रकार से संभव है। एक जो कन्वेंशनल तरीका होता है जिसमें पूरा बकायदा चीरा लगाया जाता है, स्किन को सेपरेट करते हैं, मसल्स को रिपेयर करते हैं, ऊपर से मैश रखते हैं और फिर स्किन को बंद कर देते हैं। ये हो गई कन्वेंशनल ओपन सर्जरी। यही अब तक होती आई थी, काफी समय से हो रही है, सफल है, इसमें कोई वो नहीं है। दोबारा होने की संभावना होती है थोड़ी बहुत, आप 1% 2% कह सकते हैं। लेकिन एक खास डिसएडवांटेज जो ओपन सर्जरी का है वो है पेन और फिजिकल एक्टिविटीज का रिस्ट्रिक्शन। जब भी हर्निया की सर्जरी होती है मरीज को बताया जाता है कि भाई जो दर्द और खिंचाव है ये 2 से 3 हफ्ता या कभी कभी 1.5 महीना भी रह सकता है, और लगभग 3 महीने के लिए किसी भी प्रकार का झुकने का या भारी वजन वाला कार्य जैसे पानी की बाल्टी उठाना, मेज कुर्सियां खिसकाना, साइकिल चलाना, स्कूटर में किक मारना, ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। यही इसके दो मेन डिसएडवांटेज जो आप समझ सकते हैं। इनको दूर करने के लिए अब जो सर्जरी प्रचलित है वो है लेप्रोस्कोपिक या की होल सर्जरी। ये 3 या 4 छोटे छोटे की होल से करी जाती है। इसमें हम हर्निया की साइट तक पहुंचते हैं और वहां पर अंदर से एक स्पेशल मैश होता है उसको रखते हैं, और टैकर्स एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम मैश को वहां पर फिक्स कर देते हैं। क्योंकि इसमें स्किन के ऊपर पूरा लंबा कट नहीं आता है, मांसपेशियों को खींच खींच के बांधकर रिपेयर नहीं करा जाता है, इसलिए इसमें पेन पोस्ट ऑपरेटिवली बहुत कम रहता है। 4 से 5 दिन या मैक्सिमम हफ्ते भर के अंदर पेशेंट अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल महसूस करता है। फिजिकल एक्टिविटीज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अगले ही दिन से, सर्जरी के अगले ही दिन से चलना, फिरना, उठना, बैठना, झुकना, सीढ़ियां चढ़ना, उतरना इत्यादि सभी अलाउड होता है। आप सारे कार्य कर सकते हैं, और लगभग एक हफ्ते बाद जब वो छोटे छोटे की होल्स होते हैं उन पर एक टांका या स्टेपलर लगा होता है, जब वो रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद आप नॉर्मल एक्टिविटीज या ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, अपने कार ड्राइव कर सकते हैं, 2-व्हीलर ड्राइव कर सकते हैं, वजन उठा सकते हैं, मतलब कि किसी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन हफ्ता 10 दिन के बाद नहीं होता, जो कि ओपन सर्जरी में लगभग 3 महीने के लिए होता है। तो मेन एडवांटेज दूरबीन विधि सर्जरी का रहा कि पोस्ट ऑपरेटिवली अर्ली रिकवरी, लेस पेन, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर हर्निया का ऑपरेशन नहीं करवाते हैं, अगर आपको लगता है कि साहब कब जरूरत पड़ती है और ना करवाऊं तो क्या हो, नॉर्मली हर्निया अपने आप में कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिफेक्ट या डिजीज नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कभी कभी इस डिफेक्ट के थ्रू जो चीज आती है और वापस अंदर चली जाती है, अगर वो इसमें आकर फंस जाए तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। छोटी आंत का कोई हिस्सा आया लेकिन वापस लौट के नहीं जा पाया, ऐसे में अब आंतों में रुकावट पैदा होगी और आंतों के इस हिस्से में सड़न भी पैदा हो सकती है, गैंग्रीन, और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है, जिसमें फिर बकायदा ओपन सर्जरी करनी पड़ती है, आंतों को काटकर जोड़ना पड़ता है,
हॉस्पिटल स्टे जो एक दिन का था वो बढ़कर 7 दिन या 10 दिन का हो जाता है। तो यही एक कॉम्प्लिकेशन है जिसके डर की वजह से एडवाइस करा जाता है कि समय रहते हुए हर्निया की सर्जरी करवा लें, क्योंकि इसके बारे में प्रिडिक्शन करना असंभव है कि किस पेशेंट में ज्यादा आंते फंसने की संभावना है। इंसीजनल हर्नियाज में ज्यादा संभावना होती है, सच उनको करवाना चाहिए। अम्बिलिकल हर्नियाज जो नाभि के होते हैं उनमें डिफेक्ट छोटा होता है, कभी कभी उसमें फंस जाती है, उसको करवाना चाहिए जल्दी सर्जरी। इंग्वाइनल हर्निया जो मेनली समय के साथ साथ बनते हैं और ओल्ड एज में पाए जाते हैं कभी कभी, उनके अंदर फिजिकल फिटनेस देखते हुए आप कुछ लिबर्टी ले सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर डिफेक्ट का साइज बड़ा होता है और आंतों के फंसने की संभावना कम होती है। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि साहब मुझे तकलीफ है, खिंचाव महसूस होता है, तो वो अपने आप में एक इंडिकेशन है सर्जरी करने का। अब कभी कभी मन में आता है कि हर्निया क्यों हो जाता है, ये तो मालूम है कि वीकनेस की वजह से हुआ, पर क्या कुछ ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये वीकनेस बढ़ती है या हर्निया के चांस बढ़ते हैं? कुछ फैक्टर्स हैं। ऐसी कोई भी चीज जो पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ाती है वो हर्निया होने की संभावना को बढ़ाती है। सांस की बीमारी, लंबी खांसी, सिगरेट स्मोकिंग, पेशाब के रास्ते में रुकावट, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी या मोटापा, प्रेगनेंसी, प्रीवियस कोई भी सर्जरी, तो ये वो चीजें हैं जो हर्निया की संभावना को बढ़ाती हैं, और अगर इन पे थोड़ा कंट्रोल रखा जाए तो हर्निया के इंसिडेंस को हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद फिर भी ये कहना मुश्किल है कि किस पेशेंट के अंदर हर्निया बनेगा या नहीं बनेगा। वर्जिश करते वक्त, जिम ज्वाइन करते वक्त, वजन उठाते वक्त ध्यान रखना चाहिए पेट पर अनड्यू प्रेशर ना पड़े। उसके लिए प्रॉपर बेल्ट और पोस्चर आप अपने सीनियर से समझें। ज्यादा जोर जोर से ना खांसे, और ऐसी कोई भी गतिविधि जो पेट के प्रेशर को यकायक बढ़ाती हो, एकदम से बढ़ाती हो, उसको ना करें। तो ये कुछ जानकारी थी जो एक जनरल फॉर्म में मैं आपको देना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूं आपने समझा होगा कि हर्निया क्या होता है और इसके निवारण के लिए सर्जिकल ऑप्शंस क्या क्या हैं। आपका कोई भी सवाल हो तो मैं उपस्थित हूं जवाब देने के लिए। ऐसा इन सबको बोल दो। हाँ हेलो, मैं सौगाता बंगल से कुछ कहना चाहूंगा। उनका कहना है कि डॉक्टर्स अननेसेसरी टेस्ट करवाते हैं और काफी मनी माइंडेड हैं। हाँ ये वाली बात है, कुछ सबके लिए तो नहीं कह सकता। हर्निया के मामले में मैंने बताया आपको कि ज्यादा अननेसेसरी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन काफी होता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि साथ में कोई एसोसिएटेड डिजीज तो नहीं है, उसी के लिए अल्ट्रासाउंड जरूरी होता है। उसके बाद तो फिर सर्जरी करवानी ही है। तो विश्वास बनाए रखें, सारे डॉक्टर एक प्रकार नहीं होते हैं, और आपको अच्छा डॉक्टर मिलेगा मुझको पूरी उम्मीद है। और विशाल सपना हेलो कह रहे हैं, तो हेलो, मैं उम्मीद करता हूं आपने ठीक से समझा होगा। कोई आपका सवाल हो तो जरूर पूछिए। नुपुर जायसवाल कह रही है वेल एक्सप्लेन, थैंक यू, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी समझाने की, और आपको अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी हेलो कह रहे हैं, हेलो राजीव, आपका कोई सवाल हो तो बताइए। कोई भी डाउट हर्निया से संबंधित या कोई और हर्निया इन तीन के अलावा आपने सुना हो। एक सवाल आया है कि SGPT और SGOT का बढ़ना क्या हर्निया से संबंधित हो सकता है? SGPT और SGOT लिवर से संबंधित कुछ एंजाइम्स हैं और इनके बढ़ने का हर्निया से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। अगर ये बढ़ी हुई हैं तो आपको लिवर डिजीज के बारे में सोचना होगा, और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट
या फिजिशियन से मिलना होगा, जो फिर देखेंगे कि क्या कारण है कि बड़ी हुई है। सद्दाफ फातिमा हैं, वो जानना चाहती हैं कि फॉर हाउ लॉन्ग वन कैन डिले द सर्जरी। देखिए, जैसा मैंने कहा कि इंसीजनल या अम्ब्लाइकल हर्निया है, तो इनके डिफेक्ट छोटे होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इनके अंदर फंसने की ज्यादा संभावना है। तो अगर किसी सर्जरी के बाद हर्निया बना है या नाभि का हर्निया है जिसके अंदर ओपनिंग छोटी होती है, तो समय निकालकर, इमरजेंसी कुछ नहीं है, समय निकालकर ऑपरेशन करवाइए। अब जो मोस्ट कॉमन हर्निया है और इंग्वाइलर हर्निया है, ये अगर यंग एज का हर्निया है तो जल्दी करवाइए। क्यों? क्योंकि यंग एज का जो आदमी है उसको फिजिकल एक्टिविटीज काफी करनी होंगी, उसे अपने ऑफिस जाना होगा, घर का कामकाज भी करना है, वजन भी उठाना है, तो ऐसे में संभावना होती है कि भगवान ना करे कभी अगर काम करते वक्त या जब वो किसी जरूरी काम में उलझा हुआ है उस समय कुछ फंस जाए तो इमरजेंसी पैदा हो जाए। तो एज सच कोई इमरजेंसी सर्जरी तो नहीं है, लेकिन एडवाइस ये रहती है कि जब भी समय मिलता हो 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना, 2 महीना सर्जरी करवा ले। लेकिन एक कैटेगरी है जो ओल्ड एज कैटेगरी है, जहां पर 70 ईयर्स, 80 ईयर्स का बुजुर्ग व्यक्ति है, जिसमें पहली बार पता चला है कि इंग्वाइनल रीजन में हर्निया है, और उसको अगर वो कोई विशेष तकलीफ नहीं दे रहा है, तो वहां पर हम वेट एंड वॉच पॉलिसी कर सकते हैं। हम आराम से बाबा से कह सकते हैं, पेशेंट से कह सकते हैं कि आप इस पे नजर रखिए, अगर कभी इसमें दर्द बढ़ता लगे या सूजन टाइट लगे तो इमीडिएटली दिखाइएगा, वरना अपनी खांसी पे कंट्रोल रखिए, भारी वजन ना उठाएं और अपना नॉर्मल दिनचर्या मेंटेन करें, तो शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं मैं जवाब दे सका। तो और कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कार्यक्रम सफल रहा होगा। आज आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा हर्निया क्या होता है, कितने प्रकार का है, और अल्टीमेटली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसका सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट है और आजकल लैप्रोस्कोपी के लिए उपलब्ध है। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा, आज्ञा चाहूँगा, धन्यवाद, नमस्कार।